नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार रोड में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव पड़ा हुआ मिला। हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका बताई जा रही है। शव के पास पान मसाला की पुड़िया पड़ी हुई पाई गई। राहगीरों ने सुबह शव पड़ा देख पुलिस को सूचना भी दी। सूचना पर थाना पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। सीओ भी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह मामला भोगवीपुर थाना क्षेत्र का है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि अज्ञात महिला का शव मिला है। शव पुराना लग रहा है। मौके से केसर मसाला के कुछ पाउच मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की शिनाख्त कराई जा रही है। सर, एक महिला का शव मिला है, क्या लग रहा है आपको? आप लोग रोककर पहुंचे? ये भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव के पास एक सड़क के किनारे पानी में डूबी हुई एक महिला की डेडबॉडी मिली है, जो अज्ञात में है। इसमें उसकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितनी उम्र होगी महिला? लगभग 30-35 साल की लग रही है, लेकिन चूंकि वो बॉडी फूली हुई है और चेहरे से पहचान हो पाना मुश्किल है। सर, बॉडी करीब 5-6 दिन पुरानी। हाँ, 5-6 दिन पुरानी बॉडी लग रही है और उसके चेहरे पे नोचने का निशान भी है, जो और पहचान हो पाना मुश्किल है। हत्या की आशंका? इस बारे में उसकी पहचान के बाद और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जो निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। सर, डेड बॉडी के पास तो कोई पान मसाला की पुड़िया वगैरह? हाँ, एक केशक ब्रांड के कुछ पाउच मिले हैं, जो करीब लगभग 70-80 की संख्या में है। उससे ये भी शंका हो सकती है कि वो कोई पाउच बेचने वाली महिला हो, लेकिन ये सारे तथ्यों की जानकारी पहचान होने के बाद ही हो पाए।